अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। राकेश माधवी जी, उमेश जी, सूरज खरे, आप सभी आ जाए करके आशीर्वाद भैया। सूरज खरे, शैलेंद्र मकवाना, मेरा सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से मंच पर बैठे हुए आए हुए हमारे बाहर से सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाए। तालियां बजती रहे। मकवाना, मेरा निवेदन है आप राजा राम की सभा साहब का स्वागत करें। पतंग कल्याण पार्टी कलोतिया संजय जी सांगते राजेश जी को सरसा स्वागत की बेला को विराम देते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा के अखिल भारतीय स्वतंत्र कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित रामजी गोसर साहब, ऋषि निगम, एक एकल के सभी ऋषि निगम, संजय लाल जी सांते काका साहब, बांगीला जी भतरोड़ साहब, कृपया आप आया पुष्प माला पहनाकर स्वागत करें। अशोक जी कल्याण साहब मुखिया जी का मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय दीपक जी खरे और संजय जी साहब जो बैठक ले जा रही है, किस तरह की बैठक ले जा रही है, कौन सा संगठन है और क्या कहना चाहेंगे उसको? आज देवास के इस पावन भूमि पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 7262 की एक बैठक आयोजित की है, जहां पर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से आए कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और ये जो बैठक है ये कार्यकर्ताओं के एक संगठनात्मक बैठक रखी गई है, जिसमें संगठन के गठन को लेकर, विस्तारीकरण को लेकर और संगठनात्मक जो समाज हित में लड़ाई है उन चीज़ों को लेकर विचार विमर्श की एक आवश्यक बैठक है। इस बैठक में तमाम चीज़ें जो है, जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, उस चीज़ को उजागर करने के उद्देश्य से भी आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संज्ञान में आया है कि यहाँ पर कुछ लोग संगठन को अवैध बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। आदरणीय वासुदेवराव चांगरे साहब इस संगठन को काफ़ी लंबे समय के संघर्षों के बाद इस संगठन को चला रहे थे। उसके पश्चात में जब उनका स्वर्गवास हो गया तो ये संगठन आदरणीय श्री चरण सिंह टाक साहब के हाथों में था, और बहुत लंबे समय से ये संगठन एक जुझारूपन स्थिति से गुजर रहा था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राजेश बेनीवाल, जो कि पूरे देश में संगठन का संचालन दिल्ली की सरजमीन से कर रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये आज की बैठक का यहाँ पर आयोजन हुआ है। मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इस संगठन को जो है फर्जी बताया गया, यानी हम कार्यकर्ताओं को फर्जी बताया गया है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर चरण सिंह टाक ग्रुप की तरफ से इस संगठन को गलत बताया जा रहा है, हमें गलत बताया जा रहा है। ये मेरे पास कुछ पेपर हैं जिसमें चरण सिंह टाक और गोविंद भाई परमार, इन दोनों का एक सामूहिक समझौता हुआ है। अब ये लेन देन का समझौता है या किसी और तरह का समझौता है, कोई षड्यंत्र का समझौता है, ये तो मैं ये नहीं कह सकता। इस समझौते में स्पष्ट है, ये तो आदरणीय चरण सिंह टाक साहब के भी यहाँ पर हस्ताक्षर हैं और गोविंद भाई परमार के भी यहाँ पर हस्ताक्षर हैं। और इस हस्ताक्षर में ये कहा है, ये विषय देखो आप, उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास वड कड़ विन्यात ये थे कि जयप्रकाश जांगर यानी आपणा कड़े अंतर्गत दो के दो अंतर्गत तकरार दाखिल के लिए असून आपण के लिए सूचना अनुसार दोनों ने 5 प्रतिनिधिंची नेमणूक करण्यात आली होती, त्यात सर्वानुमते यानी सभी की सहमति से श्री गोविंद परमार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून यानी श्री चरण सिंह टाक यांनी मान्यता देण्यात आली आहे,
यानी इसमें चरण सिंह ताग जी ने गोविंद परमार को मान्यता दे दी है, ऐसा ये पत्र है। ये मेरा पत्र नहीं है, आप इसका सत्यापन कहीं पर भी करा सकते हैं। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब चरण सिंह ताग परमार को समर्थन दे रहे हैं, जो कि पहले से ही अवैध है, जो व्यक्ति पहले से अवैध है वो उसको समर्थन दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्वयं अपनी भूमिका को समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात, हमारे पास उनका एक इस्तीफे का, यानी इससे पहले चरण सिंह ताग जी ने एक इस्तीफा भी दिया है कि मैं अपने पारिवारिक परेशानियों की वजह से, तमाम दिक्कतों की वजह से मैं संगठन से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं इसमें कार्य नहीं कर सकता। यानी इन्होंने व्हाट्सएप से भी इस्तीफा दिया है, लिखित में भी इस्तीफा दिया है। उसके बाद आप देखिए, ये एक अपर कामगार आयुक्त जहाँ से संगठन का संचालन होता है, उन्होंने इसी पत्र के आधार पर चरण सिंह ताग जी की भूमिका को ख़त्म कर दिया और यहाँ पर गोविंद परमार की भूमिका को प्राथमिकता दी गई, जबकि वो पूर्ण रूप से अवैध है। उसके बाद ये मेरे पास एक और पत्र है, मेरे घर का नहीं है, आप इसकी पत्रांक संख्या, मैं इसकी आपको एक कॉपी दे दूंगा, इसकी पत्रांक संख्या लेकर आप इसका स्पष्टीकरण या जांच वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद में ये वापस भारत सरकार का ही पत्र है, जिन्होंने इस केस को सीधा कोर्ट में भेज दिया है, कोर्ट की न्यायालय की माननीय न्यायालय की प्रति ये रही, ठीक है। इस वक्त कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें अभी तक चरण सिंह ताग जी ने कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। ठीक है भाई साहब, अगर बात करें तो जो एक संगठन है वो बोल रहा है कि हमारा जो संगठन है वो अखिल भारतीय ट्रेड सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन है। अब आपका कहना कि अखिल भारतीय ट्रेड जो यूनियन है या 72% हमारा यूनियन है, तो किस कौन सा संगठन सही है इसको लेकर? इस वक्त जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश बेनीवाल जी के नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है वह पूर्ण रूप से वैध है ना। मैंने आपको ये पेपर की एक कॉपी दे रहा हूँ, आप इस पेपर का सत्यापन करिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इस्तीफा दे रहे हैं और अपना पद छोड़कर दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तो चरण सिंह ताग ऑटोमेटिकली इन पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से समाप्त हैं। ये पत्र कह रहे हैं, मेरा जवाब नहीं है, आप इसका सत्यापन करिए, इसकी जांच करिए। और जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के समक्ष नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सत्यापन कह रहे हैं तो चरण सिंह ताक इस वक्त इस संगठन की किसी भी भूमिका में नहीं है। मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जल्दी उसका निर्णय आएगा और ऐसे लोगों के मुंह पर जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा लगने वाला है। और संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश बेनीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में जोर शोर से कर्मचारी और वाल्मीकि समाज स्वच्छ पेशेवर समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम और पद? मैं कमल सिंह, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और इस पूरी लड़ाई का पूर्ण रूप से भागीदार, जो अवैध रूप से संगठन को चला रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का इसमें भागीदार हूँ, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रभारी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, संख्या और पंजीकृत संख्या 7262। ठीक है।